नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुंगेली में की विजय संकल्प महारैली। महादेव घोटाले पर राज्य सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस पर किया कटाक्ष। पूछा किसके हिस्से में आया कितना पैसा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री बड़वानी में करेंगे चुनावी जनसभा। अमित शाह की भी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी राज्य में पार्टी के लिए प्रचार में जुटे। तेलंगाना में 15 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। हैदराबाद में फार्मा कंपनी के ठिकानों पर की कार्रवाई। आवासन मंत्री इंदिरा रेड्डी के आवास और रिश्तेदारों के घर पर भी हो रही है छापेमारी। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने की कोशिशें जारी। मुख्यमंत्री धामी ने की राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा। श्रमिकों से लगातार स्थापित किया जा रहा है संपर्क। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ा वायु प्रदूषण। हवा की गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में बरकरार। दिल्ली के पर्यावरण विभाग के अधिकारी प्रदूषण पर करेंगे समीक्षा बैठक। अमेरिका ने सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा, अमेरिका के लिए अपने हित और कर्मियों की सुरक्षा है सर्वोपरि। और सबसे पहले रुख करते हैं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम का, जहां कमलनाथ, कांग्रेस नेता कमलनाथ एक जनसभा को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। 100 रुपए/100 यूनिट बिजली दी, आप अपना घर जाके आज बिजली का बिल देखिएगा। फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, अब तो 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट हाफ में देंगे। किसानों का कर्जा फिर से माफ करेंगे। कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने पेंशन बढ़ाई, हमने विवाह के पैसे दिए? कौन सी गलती करी मैंने? ये तो एक शुरुआत थी हमारे लिए, शुरुआत थी, हम आगे बढ़ रहे थे और सौदा हो गया। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। विधायक मेरे पास आते थे, कहते थे इतने करोड़ रुपए हमें मिले हैं, मिल रहे हैं। मैंने कहा था मौज करो, मैं किसी से सौदा नहीं करने वाला। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करूंगा। मैंने कहा कुर्सी जाती है तो जाए, मैं सौदा नहीं करने वाला, और मैंने सौदा नहीं किया। तो आज ये सब आपके सामने है। मैं तो इतनी बात कहना चाहता हूं आपसे कि शिवराज जी को पहचान लीजिए। अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। उनकी झूठ की मशीन आजकल डबल स्पीड पर चल रही है, घोषणाओं की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। माताओं और बहनों को 18 साल याद नहीं किया, चुनाव आया तो माताएं क्या हुआ, बहनें याद आ गई। ठीक है, क्या किया उन्होंने, क्या नाम दिया, लाडली। इसके पहले लाडली नहीं थी, ये अब लाडली चुनाव के लिए बनी है। और हमने तो कहा है कि हम माताओं और बहनों को 1500 रुपए देंगे, कुछ दिन बचे हैं बस, और गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। शिवराज सिंह कहते हैं, मैं 3 महीने 4 महीने से शिवराज चिल्ला रहे हैं, हम गैस सिलेंडर 450 रुपए में दे रहे हैं। किसी को मिला गैस सिलेंडर 450 में? और अब कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, ये एक संकल्प पत्र लाए हैं, झूठ का। तो अभी आप कांग्रेस नेता कमलनाथ को सुन रहे थे, जो कि चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से। बढ़ेंगे आगे और अब बड़ी खबरें। बात चुनावी राज्यों की खबरों के साथ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के मुंगेली में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य के पहले चरण के चुनाव में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है और इसके लिए उन्होंने जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कांग्रेस के भीतर मचे अंतर कलह को लेकर भी उन पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जमकर घेरा। उन्होंने खासतौर पर महादेव ऐप घोटाले का जिक्र किया और आरोप लगाया कि इसका पैसा मुख्यमंत्री के साथ ही कांग्रेस के नेताओं तक भी पहुंचा है। जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। कितने जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है। कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है। और प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ के बरसों पुराने कांग्रेस के नारे को लेकर भी उन्हें घेरा। उन्होंने कांग्रेस पर जनता को मूर्ख बनाने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि असल में बीजेपी की सरकार ने गरीबों के सशक्तिकरण का काम किया और 5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। आजादी के इतने साल बाद भी मेरे आदिवासी भाई बहनों की बदहाली की गुनहगार ये कांग्रेस है। कांग्रेस ये कांग्रेस है जिसने इतने साल देशभर में सरकार चलाई। 5-5 दशक तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था। 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मैं पत्रकारों से पूछता हूं, जरा कांग्रेस वालों को पूछो तो, 50 साल पहले नारा दिया था, वो नारा पूरा नहीं कर पाए, नए वादे करके कहां था लोगों को मूर्ख बनाते हो, पूछो जरा उनको। बरसों तक कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सत्ता में रही। गरीबी हटाओ नारे के दशकों बाद भी देश के दलित ओबीसी और आदिवासी गरीब रहे, इसकी गुनहगार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और जहां प्रधानमंत्री ने जो लोगों को संबोधित किया मुंगेली में, उसी वक्त वहीं से हमारे सहयोगी धीरज कुमार इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ के मुंगेली से। धीरज, आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। और जैसा कि हमने प्रधानमंत्री को सुना, बहुत सारी बातें कहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें वो ये कि खासकर भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से उन्होंने निशाना साधा कांग्रेस की सरकार पर और महादेव ऐप का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं तक भी इसके पैसे पहुंचे हैं। इससे कितना कुछ फायदा बीजेपी को और कितना नुकसान आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को? देखिए असीम, प्रधानमंत्री ने अभी तक यहाँ जितनी सभाएं की है उन सभाओं में उनका सबसे बड़ा नारा रहा है भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ का नारा। और उसी सिलसिले में आज उन्होंने यहाँ हुए छत्तीसगढ़ शासन में हुए कई घोटालों का उन्होंने जिक्र किया। उन घोटालों में महादेव ऐप का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महादेव ऐप का पैसा मुख्यमंत्री दरबार तक पहुँचा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ की सरकार ने यहाँ के लोगों से गंगाजल हाथ में लेकर शराबबंदी का की बात की थी, लेकिन उस शराबबंदी का क्या हुआ? उन्होंने साफ तौर पर महिलाओं से पूछा, क्या आपके शहर में शराबबंदी हुई? उन्होंने गौठान घोटाले का जिक्र किया और साफ तौर पर कहा कि ऐसा हमने पहली बार देखा है कि एक सरकार गोबर तक में घोटाला कर जाती है। उन्होंने महादेव ऐप का जिक्र किया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने राजीव गांधी के का जो संदर्भ है उस संदर्भ का भी उन्होंने जिक्र किया, जबकि
उन्होंने कहा कि कांग्रेसी एक प्रधानमंत्री थे, वो खुद कहा करते थे कि एक रुपया भेजता हूं और 15 पैसे जमीन तक पहुंचता है। तो इस सिलसिले में पूरे छत्तीसगढ़ की जो सरकार को कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए यहाँ के जनता को उन्होंने संबोधित किया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आपको इस सरकार को अगर बदलना है, अगर आपको छत्तीसगढ़ का विकास करना है, छत्तीसगढ़ में विकास को नए सिरे से जन जन तक पहुंचाना है, तो आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा। सबसे बड़ी बात उन्होंने आदिवासियों की दलितों के बारे में किया, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ओबीसी समाज के लिए किया कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने दलितों का अपमान किया, कैसे ओबीसी समाज का अपमान किया। उन्होंने खुद पर जोड़ते हुए कहा कि देखिए ये कांग्रेस पार्टी मोदी को गाली देता है, मोदी से नफरत करता है, मोदी को गाली देने का मतलब मोदी को जितनी गालियां देना है वो दे, वो मोदी की जाति को गाली देता है। मतलब प्रधानमंत्री सीधे तौर पर जनता से ये कनेक्ट कर रहे हैं कि जनता जो है, जो कांग्रेस पार्टी जो है वो ओबीसी विरोधी है। बिल्कुल इस प्रकार से उन्होंने यहाँ के विकास की बात की कि कैसे 5 साल पहले की जो सरकारें थी उन्होंने यहाँ विकास किया, और साफ तौर पे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को इस राज के पृष्ठभूमि से जोड़ते हुए साफ तौर पे उन्होंने कहा कि अटल जी का ये सपना था इस सरकार, इस राज्य को बनाना, इस राज्य को अटल जी ने बनाया, इस राज्य का को विकास करने का सपना भी अटल बिहारी वाजपेयी के जिम्मे था, और जो छत्तीसगढ़ भाजपा ने बनाया है और भाजपा ही छत्तीसगढ़ राज्य को संवारेगी, बिल्कुल ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। बिल्कुल धीरज, और दूसरी बात यह कि जिस तरह से न सिर्फ बीजेपी की तरफ से बल्कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां वो भी चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं। हमने देखा कि फर्स्ट फेज के चरण में आपने भी वहां से रिपोर्टिंग की थी कि खासकर जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वो बम्पर वहां पे वोटिंग हुई है। ऐसे में अगले चरण सेकेंड फेज के चुनाव के लिए बाकी दलों की क्या कुछ तैयारियाँ हैं, और क्या उम्मीद करें कि जिस तरह से फर्स्ट फेज में अच्छी खासी वोटिंग हुई है वही सिलसिला सेकेंड फेज में भी जारी रहेगा? देखिए ये इलेक्शन कमीशन की को इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने पहले चरण के चुनाव की तैयारियां की, मैं आपको बता दूं कि जो 20 सीटें जो थी वो पहले चरण की, वो 20 सीटों में 12 सीटें जो थी वो पूर्ण रूप से नक्सल प्रभावित सीटें थी, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र थे, करीब 126 मतदान केंद्र जहाँ पहली बार मतदान हुआ आज़ादी के बाद से। दूसरी चीज की जहां तक रास्ता सुगम में नहीं था वहां हेलीकॉप्टर से मतदान अधिकारी को पहुंचाया गया ताकि लोग लोकतंत्र का हिस्सा बन पाए, और जो सबसे बड़ी बात जो बम्पर वोटिंग की वो बम्पर वोटिंग सबसे अधिक बम्पर वोटिंग बस्तर में हुआ जो कि सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां जिन हाथों में बंदूकें थी, जिन हाथों से गोलियां चलती थी, उन्हीं हाथों के उंगलियों में स्याही लगे हुई थी, और ये लोकतंत्र की जीत इसको कहा जा सकता है। लेकिन इसके लिए पूरी की पूरी जो तैयारी इलेक्शन कमीशन की थी, जनता में उत्साह था, और जो सबसे बड़ी बात ये भी थी कि जो एक कैंपेन किया गया था कि लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर वोट दें और डर को घर पे छोड़ कर, क्योंकि इन इलाकों में क्या होता है कि जो हिंसा के वजह से लोग निकलना नहीं चाहते, ये उम्मीद तो करें कि उस हिंसा के डर से लोग बाहर निकलेंगे, और जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है फर्स्ट फेज में उसी को फॉलो करते हुए सेकंड फेज के इलेक्शन में भी लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और वोट अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को छत्तीसगढ़ से हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे लेकिन चुनावी राज्यों से जुड़ी और भी कुछ खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अधूरी लगती है दिवाली खुशियों के बिना, तोहफों के बिना, मगर अब ऐसा नहीं है। कोई दिया जला रहा है पक्के मकान में, कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है, सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट हो गई, और उधर मदद की मुद्रा से किसी ने नए कारोबार का श्री गणेश कर लिया। हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश। पिछले कुछ वर्षों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस, तो कोई लोन का उपहार पाके। तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली,
यूं ही बनी रहे। हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश चुनाव की, जहां एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी चुनाव प्रचार जारी है। सभी दलों के स्टार प्रचारक राज्य में चुनावी जनसभाओं और रोड शो कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के बड़वानी पहुंचेंगे और चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह के आज एक के बाद एक कई कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत विदिशा के सिरोंज से होंगी। सिरोंज में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इसके बाद गुना में दो जगह, चाचोड़ा और राघोगढ़ विधानसभा में चुनावी रैली में हिस्सा लेंगे। गुना के बाद नई सराय और दतिया में भी चुनावी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और वह मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के दिग्गज भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रदेश में तीन चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वो नीमच जिले के जावद, हरदा जिले के टिमरनी में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं करेंगे। भोपाल में रोड शो करने के साथ ही वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कई चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। वो पिपरिया, सिवनी, मालवा, श्यामपुर और आलोट में पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य इस वक्त मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदित्य, आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा कि लगातार, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस की हो, तमाम पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है। चुनावी सरगर्मियां राज्य में बहुत तेज़ हैं। अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं चुनाव में। किस तरह की बातें, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर आप इस वक्त देख पा रहे हैं? लगभग मान के चलिए असीम की ढाई दिन का वक्त अब बचा है। आज हो गई है 13 तारीख, 15 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसी इन दो ढाई दिनों के अंदर ही जो है तमाम दोनों राजनीतिक दल, जो प्रमुख दल मध्य प्रदेश में हैं, उनको अपना एड़ी चोटी का जोर लगाना है और मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। देखिए, अब फोकस वहां है जहां पर कमजोर है पार्टियां, जहां पर कांग्रेस पार्टी कमजोर है वहां राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, जहां पर बीजेपी को अच्छी सफलता पिछले चुनाव में नहीं मिली थी वहां प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पहुंच रहे हैं। आज प्रधानमंत्री बड़वानी पहुंचेंगे। देखिए, निमाड़ में 13 सीटें हैं, मालवा निमाड़ को अगर समझें उसके आंकड़े को, तो 66 सीटें कुल मालवा निमाड़ में आती हैं और क्षेत्र बड़वानी जो है वो निमाड़ में आता है, यानी कि 13 सीटें जो है वो निमाड़ में आती हैं और बीजेपी को पिछली बार निमाड़ में बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल पाई थी। लिहाजा प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना, ये मान सकते हैं कि बीजेपी एक बड़े वर्ग तक, यानी कई विधानसभा क्षेत्रों तक उसका असर देखने को मिलेगा, बीजेपी का अपनी बात रख पाएगी। वहीं आज गृहमंत्री अमित शाह की अगर बात करें, जिनको वो मिस्टर बंटाधार कहते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लगातार वो मिस्टर बंटाधार कहते हुए आए हैं, उनके गढ़ राघोगढ़, यानी कि गुना राघोगढ़ में आज एक सभा करने जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल का इलाका है, गुना अशोकनगर की अगर बात की जाए तो वहां रैलियां उनकी होंगी, दतिया वो पहुंचेंगे। लिहाजा ग्वालियर चंबल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछले चुनाव में काफी उठापटक जो थी वो ग्वालियर चंबल में ही देखने को मिली थी। कुल मिलाकर बीजेपी ऐसे कोई क्षेत्र में कमी नहीं छोड़ना चाहती जहां पिछले चुनाव में उसको सफलता नहीं मिली थी, अपेक्षित परिणाम नहीं मिले थे। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें, राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं आज, और असीम राहुल गांधी भोपाल में 2 सभाएं तो करेंगे ही, साथ ही उन इलाकों में भी जाएंगे जहां पर जो कभी कांग्रेस की परंपरागत सीट रहा हुआ करती थी और जो अब कहीं ना कहीं प्रत्याशी बदलने के बाद कांग्रेस वहां कमजोर दिखाई दे रही है, वहां पर कांग्रेस का फोकस है। लेकिन राहुल गांधी का मध्य प्रदेश आना सवाल खड़े कर रही है बीजेपी, सनातन के मुद्दे पर, जिस तरीके से इंडी अलायंस के भाग हैं कांग्रेस और सनातन के मुद्दे पर राहुल गांधी की जो चुप्पी अभी तक देखने को मिली है उसको लेकर थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक स्टेटमेंट आया है कि राहुल गांधी चुप क्यों है, क्या ये उनकी मौन स्वीकृति है सनातन के मुद्दे पर, इस तरह की जो बात इंडी अलायंस की तरफ से की गई थी। इस तरह के कई सवाल जो है, ओबीसी का मुद्दा जो हाल में छत्तीसगढ़ में भी हम देखने को मिल रहा है, आज चर्चाओं में निकल कर आया, ओबीसी के मुद्दे पर भी
शिवराज सिंह चौहान ने ये सवाल पूछे हैं कि बताएं कांग्रेस कि अब तक कितने देश में प्रधानमंत्री कांग्रेस ने ओबीसी दिए हैं, कितने मुख्यमंत्री ओबीसी अब तक कांग्रेस ने दिए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो बयानबाजियां कांग्रेस की रैलियों से निकल रही वो बीजेपी की तरफ से उसके पलटवार भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आदित्य एक आखिरी सवाल, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में, चलिए समय की कमी है आदित्य, हम आपसे आगे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताजा अपडेट्स को भोपाल से हम तक पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे आईटी रेड्स की जो कि इस वक्त तेलंगाना में चल रहे हैं, इस पर भी लेंगे ताजा अपडेट, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। खबर हैदराबाद से है, जहां आज कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद स्थित कई फार्मा कंपनियों पर आज छापेमारी चल रही है। फार्मा कंपनियों के मालिकों और कर्मचारियों के ठिकानों पर 15 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं तेलंगाना राज्य की आवासन मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी के आवास पर भी छापेमारी की गई है और उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी तलाशी चल रही है। सूत्रों ने कहा है कि आईटी अधिकारियों को 10 समूहों में विभाजित किया गया है और एक साथ तलाशी ली जा रही है। हाल ही में पूर्व सांसद और कांग्रेस के उम्मीदवार पोंगुलेटी श्रीनिवास राव के आवास पर भी आईटी ने छापे मारे थे। और अब सीधे रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां प्रधानमंत्री महासमुंद के बेमचा भाटा मैदान में इस वक्त चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। गली मोहल्ला नहीं है जहां मैं गया नहीं, और इसलिए मैं यहां को भलीभांति जानता था। तो मेरे मन में रहता था कि जिस छत्तीसगढ़ में मैंने इतने दिन बिताए हैं, इतने गांवों में गया हूं, इतने परिवारों से के बीच रहा हूं, मुझे इस छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करना चाहिए, ये मेरा बड़ा उमंग था। और तब भाजपा की सरकार थी तो मेरी बात आगे बढ़ गई और 10 लाख से अधिक आवास बनाए थे उस समय जब भाजपा सरकार थी, 10 लाख। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई और उसने देखा कि मोदी की योजना तो इतनी टाइट है कि उसमें कट की संभव ही नहीं है, कमीशन संभव ही नहीं है, उन्होंने तुरंत गरीबों के आवास बनाने में उस काम में रुकावटें रोड़े अटकाना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस सरकार को आप लोग यहां से हटाने का तय कर चुके हैं। पहले चरण में तो आपने उनका सुपड़ा साफ कर ही दिया है, और मुझे व्यक्तिगत रूप से संतोष इस बात का है कि जैसे ही भाजपा सरकार बनेगी, मुझे यहां गरीबों को पक्के घर देने का काम तेजी से आगे बढ़ाने का, एक पुण्य काम करने का अवसर मिलेगा। मुझे बताइए, अगर कोई गरीब हमारे पास आए, एक रोटी भी खिला दे, तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? जरा जोर से बोलिए, पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर मोदी उसको पक्का घर दे दे, उसके उस सपना दे दे, संकल्प दे दे, तो आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? देता है कि नहीं देता है? इसका पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पुण्य किसको मिलता है? ये पुण्य किसको मिलता है? ये पुण्य देते किसको हैं? आपको मालूम नहीं है किसको मिलता है? जरा जोर से बताइए, किसको मिलता है? जी नहीं, मोदी को नहीं मिलता है, ये पुण्य आपको मिलता है, क्योंकि
आप अब यहां भाजपा सरकार बनाने वाले हैं और इसके कारण गरीबों को घर मिलना शुरू होने वाला है और इसका पुण्य उसके आधे हकदार आप हैं। ये पुण्य आपके खाते में जमा होने वाला है। यहां के 18 लाख गरीबों के अब पक्के आवास देने का हमने संकल्प कर लिया है और उसके लिए धन भी पक्का निकाल दिया है कि वे पक्का धन इनके लिए। और आप तो जानते हैं ना मोदी की गारंटी कैसी होती है, पक्की होती है ना। मेरे परिवारजनों, दूर सुदूर के आदिवासी गांवों तक अच्छी पक्की सड़कें बने, रेल से कनेक्टिविटी हो, इसके लिए भाजपा सरकार बहुत पैसे दे रही है। कांग्रेस ने अपने 10 वर्ष में छत्तीसगढ़ के गांव की सड़कों के लिए जितना पैसा दिया था जब रिमोट वाली सरकार थी ना दिल्ली में, याद है ना, रिमोट वाली सरकार चलती थी, वो रिमोट वाली सरकार ने जितना पैसा दिया था, मेरे आने के बाद, मेरा सेवा काल शुरू होने के बाद उससे 2 गुना पैसा हमने छत्तीसगढ़ को दिया, 2 गुना। लेकिन फिर भी यहां स्थिति बहुत खराब है। यहां तक कि हर घर जल पानी पहुंचाने की योजना को भी ये रोक रहे हैं। जब तक पैसे निकालने का पाइपलाइन न मिले ये काम करने को तैयार नहीं है जी। ये छत्तीसगढ़ की हर माता बहन के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें कह रही है, एक स्वर से कह रही है, आओ नहीं सहिबो, आओ नहीं सहिबो, आओ नहीं सहिबो, आओ नहीं सहिबो, आओ नहीं सहिबो। बदल के मेरे परिवारजनों, मैं आज छत्तीसगढ़ के आप लोगों का एक और बात के लिए धन्यवाद भी करना चाहता हूं। आपने यहां कांग्रेस की तो हार तो पक्की की है, मुझे पूरा भरोसा है। आपने कांग्रेस की हार तो पक्की कर ली है, छत्तीसगढ़ के 30% वाले कक्का भी, करारी हार भी आप पक्की मान लीजिए, ये कक्का का जाना भी पक्का। आज हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का विधायक बनना तक मुश्किल हो गया है। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ही कांग्रेस के जो पुराने समर्पित कांग्रेसी हैं, वो यहां के मुख्यमंत्री से इतना चिढ़े हुए हैं कि इस बार उन्होंने यहां के मुख्यमंत्री को हराने की ठान ली है। अब उनके एमएलए बन तक के लाले पड़ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के पुराने दिग्गजों को लग रहा है कि एक बहुत बड़ा धोखा उनके साथ ये मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिल्ली के आला कमान ने किया है।
तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे छत्तीसगढ़ के महासमुंद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे और अब रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां के विदिशा के सिरोंज का, जहां अमित शाह इस वक्त चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी नहीं हटाई, गरीबों को हटाने का काम किया और मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के भले के लिए 9 साल में ढेर सारे कदम उठाए। भाइयों और बहनों, सिर्फ मध्य प्रदेश में 93 लाख किसानों को अब तक प्रति साल 6,000 रुपया, मतलब 21,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में भेजा है। और आज मैं कहकर जाता हूं, कमल फूल की सरकार बना दो, एक डबल इंजन की जो सरकार है, 6,000 रुपया को अब साल का 12,000 रुपया करने वाली है। ये लाडली लक्ष्मी योजना हमारी घर घर में पहुंची और माताओं को चेक मिलने की शुरुआत हो गई। 65 लाख गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया, लगभग 3,70,00,000 लोगों को 5 लाख तक का आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा अब नरेंद्र मोदी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। मैं आज सिरोंज में कहकर जाता हूं, 3,70,00,000 लोगों को 5 लाख तक का आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। मैं आज सिरोंज में कहकर जाता हूं, आप लोग फिर से भाजपा सरकार बना दो, 5 लाख तक का इलाज फ्री है, आने वाले दिनों में 10 लाख तक का इलाज फ्री हो जाए। 80 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाए, 5 करोड़ गरीबों के घर में फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में अनाज भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। और मोदी जी को 24 में फिर से प्रधानमंत्री बना दो, ये 5 साल और मुफ्त अनाज की योजना चालू रहने वाली है। 82 लाख माताओं बहनों को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया, दिया या नहीं दिया भाई, दिया या नहीं दिया? और अब आप सब लोग आश्वस्त रहिए, कितने भी गैस के दाम बढ़े, मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को 450 रुपया में गैस का सिलेंडर मिलने वाला है। 36 लाख से अधिक गरीबों के घर बनाए और हमने तय किया है कि आने वाले दिनों में 6 एक्सप्रेसवे बनाकर पूरे मध्य प्रदेश को रोड के जाले से बुनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाई और बहनों, मुझे बताओ कि कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे यार, ऐसी आवाज से बताते हो, कश्मीर तक आवाज जानी चाहिए, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को अनरोस बच्चे की तरह अपने गोदी में पाल कर रखी थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और ये कश्मीर हमारा हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बन गया। मगर युवाओं, मैं एक बात बताता हूं, मैं संसद में धारा 370 हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ,
सड़प से राहुल बाबा खड़े हो गए, जानते हो। तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे मध्य प्रदेश के सिरोंज से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे उत्तरकाशी में किस तरह से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है, इस पर बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अधूरी लगती है दिवाली खुशियों के बिना, तोहफों के बिना, मगर अब ऐसा नहीं है। कोई दिया जला रहा है पक्के मकान में, कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है। सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट होगी। कहीं किसी जरूरतमंद को मुफ्त इलाज का वरदान मिल गया। हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश। पिछले कुछ बरसों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस, तो कोई लोन का उपहार पाके। तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली यूं ही बनी रहे। हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक टनल में मलबा हटाने का काम जोरों से चल रहा है। वायरलेस वॉकी टॉकी से अंदर फंसे मजदूरों से संपर्क कर सभी के सुरक्षित होने की जानकारी मिली है। मजदूरों के लिए कंप्रेसर के माध्यम से कुछ खाने के पैकेट भी अंदर भेजे गए हैं। वहीं टनल में पानी के पाइप के जरिए लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। सुरंग में फंसे मजदूरों में अधिकांश झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल के हैं। सुरंग से मलबा हटाने के लिए राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ITBP और पुलिस बल के साथ भारी मशीनें तैनात की गई हैं। रविवार सुबह दिवाली के दिन उत्तरकाशी में ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग का करीब 50 मीटर हिस्सा धंसने से यह हादसा हुआ। हादसे में 40 मजदूरों के फंसे होने की जानकारी है। इस हादसे को लेकर CM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के CM पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर श्रमिकों की स्थिति, राहत और बचाव कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली है। और उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल पर पहुंचकर कल से जारी राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। वहां पर मौजूद अधिकारियों से रेस्क्यू अभियान की भी जानकारी ली। वहीं CM ने कहा कि श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार और सभी विशेषज्ञ एजेंसियां हर संभव प्रयास कर रही हैं और लगातार श्रमिकों से संपर्क स्थापित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सुरक्षित हैं, मैं उनके सभी जो लोग अंदर हैं उनके सभी पारिवारिक जनों से भी उनको आश्वस्त करता हूं कि हमारा संपूर्ण प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सबको बाहर निकाला जाए। उसके लिए कुछ ह्यूम पाइप इत्यादि की भी आवश्यकता पड़ रही है। एक रास्ता अलग से बना रहे हैं क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा जितना मलबा हटाया जा रहा है वो मलबा फिर से ऊपर से मलबा लगातार नीचे गिर रहा है, इसलिए बहुत काम जो है मैनुअली वहाँ पर किया जा रहा है। और अभी ह्यूम पाइप की आवश्यकता थी तो ह्यूम पाइप यहाँ देहरादून से और हरिद्वार से वहाँ पर भेज कर लगभग 60 मीटर से ज़्यादा का रास्ता बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी चिंता व्यक्त करी है और हर प्रकार का आश्वासन हमको दिया है। गृह मंत्री जी ने भी सारी टीमें वहां भेजी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बचाव का काम तेजी से चल रहा है, सुरंग के अंदर ऑक्सीजन, पानी और खाने पीने की सामग्री भेजी जा रही है और पाइप के जरिए लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति भी की जा रही है। खाने पीने का सामान रात में कंप्रेसर के द्वारा पाइप से भेजा गया है अंदर और पानी भी भेजा गया है, ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई चल रही है और जो जिस स्थान पर वो लोग हैं अभी उस स्थान से आगे तक 200 मीटर का रास्ता बना हुआ है, अंदर गाड़ी भी है, अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई भी हो रही है और टेम्परेचर भी ठीक है, मतलब अभी वो सब सुरक्षित हैं, उनसे बात हो रही है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो विशेषज्ञ आए हैं वो प्लान ए बी सी तीन प्लानों पर काम कर रहे हैं और सब में प्राथमिकता यही है कि सबको बाहर निकाला जाए और ह्यूम पाइप भी उनकी पहली प्राथमिकता में से एक प्राथमिकता है कि ह्यूम पाइप अगर लगा दिया जाएगा तो सुरक्षित रूप से सब लोग बाहर निकल आएंगे। वहीं उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने बताया है कि बचाव कार्य तेजी से चल रहा है, सुरंग में फंसे लोगों से संपर्क किया गया है, सभी सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि सुरंग में फंसे लोगों को जल्द से जल्द बचाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू वर्क चल रहा है जिसमें मलबा हटाया जा रहा है और इस समय शॉर्टक्रीटिंग का कार्य गतिमान है और प्रयास यही है कि जो अंदर लोग फंसे हैं उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और उनको एयर सप्लाई की जा रही है, उनसे कम्युनिकेशन के प्रयास भी किए गए हैं, तो उम्मीद है कि ये जल्दी ही सबको सकुशल निकाल लिया जाएगा। दिवाली की अगली सुबह यानी कि आज सुबह दिल्ली एनसीआर में फिर वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया। दिल्ली में गुणवत्ता सूचकांक अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज सुबह वायु गुणवत्ता का स्तर 300 पर आ गया। आनंद विहार में AQI 296, आरकेपुरम में 290, पंजाबी बाग में 280 और ITO में 263 रहा। प्रदूषण के हालात पर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने दीपावली के पटाखों पर ठीकरा फोड़कर एक समीक्षा बैठक वो कर रहे हैं। उन्होंने दीपावली पर हुई आतिशबाजी के लिए भाजपा पर आरोप लगाए हैं, जबकि दूसरी ओर भाजपा ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने AQI पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने समय रहते राजनीति के बजाय अगर प्रदूषण नियंत्रण पर काम किया होता तो आज दिल्ली वासियों को प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ता। 2018 में की मुख्य कारण प्रदूषण का पंजाब की पराली है, हमारी सत्ता आएगी एक साल में समाप्त कर देंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट के दो दो बार फटकार लगाने के बाद आज भी पराली जल रही है, परंतु फायर क्रैकर्स पर दोष डालना है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या 9 वर्ष में आप दिल्ली के अंदरूनी कारण जो है प्रदूषण के डस्ट उसके लिए कुछ नहीं कर पाए? हमारे सहयोगी गिरीश निशाना इस वक्त ताजा अपडेट के साथ मौजूद हैं इस प्रदूषण पर, वायु प्रदूषण पर। देखिए गिरीश, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है और कल हमने देखा जिस तरह से स्थितियां हुई और आज सुबह भी कई इलाकों में AQI बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। राजनीति तेज हो गई है लेकिन जो अंजाम है वो आम लोगों को, दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल असीम, आपने ठीक कहा, अंजाम दिल्ली वासियों को ही भुगतना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से जिस तरह से AQI आप देख रहे थे, हालांकि जब धनतेरस थी तो जब बारिश हुई तो उम्मीद की जा रही थी कि शायद वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, लेकिन मामूली सुधार जरूर हुआ। लेकिन अगर आज की बात की जाए असीम, तो आज दिल्ली के अंदर AQI काफी खराब स्थिति में है। अगर मैं ITO की बात करूं तो अभी फिलहाल ITO का जो AQI है वो 319 पर है, जो वेरी पुअर दर्शाता है, यानी कि बहुत खराब स्थिति है वायु गुणवत्ता की ITO और उसके आसपास के इलाके में। इसी तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक काफी ऊपर चला गया है और जो कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग लोग हैं उनको दिक्कत कर रहा है, जो बच्चे हैं उनको दिक्कत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर इस समय वायु बहुत अच्छी नहीं है, प्रदूषण पूरी तरह से फैला हुआ है और लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से परेशान हैं, कोई खांस रहा है, किसी को गले की एलर्जी हो रही है, तो तमाम काफी समस्याएं हैं, उनसे जूझना पड़ रहा है दिल्ली वासियों को। लेकिन अभी जो दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार है, जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय हैं, उन्होंने एक समीक्षा बैठक बुलाई है, बैठक के अंदर भी बातचीत चल रही है कि, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा टीकरा जो है दिल्ली के अंदर जो पटाखे छोड़े गए हैं उस पर छोड़ा गया है। अगर उसकी तरफ से देखा जाए तो मामूली बहुत बढ़त हो सकती है, दिल्ली की AQI पर फर्क पड़ सकता है, लेकिन पिछले काफी दिनों से
से जिस तरह से लगातार AQI बढ़ा हुआ है, इस पर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को विपक्ष ने पूरी तरह से घेरने का प्रयास किया है असीम। बिल्कुल बिल्कुल, तो राजनीति तेज है, लेकिन जो जैसा कि हमने कहा कि जो खामियाजा है वो यहाँ के दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ रहा है, बूढ़े लोगों को, बुजुर्गों को, हर इंसान को सांस से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, खबर है तेलंगाना से। तेलंगाना के हैदराबाद में आज सुबह एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। इस घटना में कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया गया कि आग बिल्डिंग में स्थित एक गोदाम में लगी। ये आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोगों को इससे निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिशों में हैं। सेंट्रल जोन के DCP वेंकटेश्वर राव ने भीषण आग में 6 लोगों के मौत की पुष्टि की है। वहीं केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने घटनास्थल का दौरा किया, निरीक्षण किया। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने अवैध गोदामों के घटना का मुख्य कारण करार दिया। इसे लेकर BRS की सरकार पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। वेयरहाउस के कारण, इलीगल वेयरहाउस रहने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। लगातार हम बता रहे हैं इलीगल वेयरहाउस रेजिडेंशियल एरिया में, कमर्शियल एरिया में नहीं रहना चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया में, कमर्शियल एरिया में जो लोग ज़्यादा रहते हैं उस एरिया में यो का जो वेयरहाउस रहने के कारण ऐसा एक्सीडेंट्स बार बार हो रहे हैं। मगर सरकार की तरफ से एक्सीडेंट के समय पर बोलते हैं कोई वेयरहाउस हैदराबाद शहर में हम रहने नहीं देंगे, मगर एक्सीडेंट के बाद फिर लगातार वैसा ही वेयरहाउस कंटिन्यू हो रहे। मैं तेलंगाना सरकार को बताना चाहता हूँ, रेजिडेंशियल एरिया में जितने एक्सीडेंट्स होने का उम्मीद है, जितने इलीगल वेयरहाउसेस है, सभी वेयरहाउसेस को इधर से उठाना चाहिए, सिटी से बाहर ले जाना चाहिए। और अब व्यापार जगत की खबरें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 13-14 नवंबर को तीसरी व्यक्तिगत IPEF मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क या IPEF 14 देशों का एक समूह है, जिसे 23 मई को टोक्यो में अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। इस समूह के सदस्य देशों की वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 40% हिस्सेदारी है और ये वैश्विक वस्तुओं सेवाओं के कारोबार में 28% की हिस्सेदारी रखते हैं। भारत और अमेरिका के अलावा इस समूह में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। इस दौरान पीयूष गोयल अमेरिकी वाणिज्य सचिव, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई और अन्य IPEF भागीदार देशों के मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। ये बैठकें व्यापार बाधाओं को दूर करने, निवेश को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी। इस मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय कारोबारी गतिविधियों को और प्रोत्साहन देने के प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। अमेरिका यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री सिलिकॉन वैली में टेक्नोलॉजी, उद्यमशीलता और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े दिग्गजों के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो भारत में निवेश के इच्छुक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और फिनटेक कंपनियों के प्रस्तावों पर भी बातचीत करेंगे। पीयूष गोयल दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिका के प्रमुख कारोबारियों, शिक्षाविदों, अधिकारियों, उद्योग जगत के प्रमुख लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कि 15 से 16 नवंबर के बीच आयोजित की जाएगी। हमारे सहयोगी अजय मिश्रा इस खबर पर लगातार बने हुए। अजय, क्या कुछ इससे भारत इन मीटिंग्स के जरिए हासिल करने की उम्मीद है भारत को? देखिए, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की जो मीटिंग है उसके 4 पिलर्स हैं असीम। पहला पिलर है ट्रेड का, दूसरा है सप्लाई चेन का, तीसरा है क्लीन इकोनॉमी का और चौथा है फेयर इकोनॉमी का। किसी भी मेंबर कंट्री को ये छूट है कि वो किसी भी पिलर का हिस्सा हो सकता है, चाहे तो नहीं भी हो सकता है। तो भारत ने ट्रेड पिलर को छोड़ दिया है, बाकी के 3 पिलर्स पर उसने इस टॉक्स को ज्वाइन किया है। आपको बताया कि जो सप्लाई चेन का जो ट्रेड जो पिलर है उसमें सहमति बन चुकी है
और सभी जो सदस्य देश हैं उस पर सहमत हो चुके हैं, क्योंकि चाइना को काउंटर करना है और एक रिलायबल सप्लाई चेन पूरी दुनिया में रहे, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रहे कम से कम, उसको लेकर के अमेरिका के नेतृत्व में सहमति बन चुकी है। ये जो दौरा है पीयूष गोयल साहब का, उसमें दो और पिलर्स हैं जो पिलर बचते हैं, क्लीन एनर्जी का और फेयर इकोनॉमी का। इस पर भी नेगोशिएशंस पूरी हो चुकी हैं और बहुत उम्मीद है कि इन दोनों ही जो पिलर्स पे आम सहमति बन जाए। तो ट्रेड को हमने नहीं छुआ है क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें कि डेटा लोकलाइजेशन के लिए आप कंपनी को बाध्य नहीं कर सकते या फिर कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। उसके मद्देनज़र हमने ट्रेड पिलर को एक ऑब्जर्वर के तौर पर ज्वाइन किया है, उसको ज्वाइन बिल्कुल नहीं किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि चीन, आपने जितने देशों का नाम लिया उसमें चीन नहीं है। तो इंडो पैसिफिक में अमेरिका चाहता है कि चीन के जो प्रभाव है उसको कम किया जाए और एक अल्टरनेट सप्लाई चेन के रूप में भारत और दूसरी इकोनॉमीज को डेवलप किया जाए। तो ये निकल करके आ सकता है कि दो और ट्रेड पिलर्स पर सहमति बन जाए। उसके अलावा जो दूसरे बायलेटरल्स हैं उसके जरिए भारत अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करता हुआ नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुँचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे और बात करेंगे खेल जगत की खबरों की। दीपावली के मौके पर भारतीय क्रिकेट टीम ने देश को शानदार तोहफा दिया। टीम ने विश्व कप के अपने अंतिम लीग मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने नीदरलैंड्स को 160 रनों से हरा दिया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय बल्लेबाजों ने धुआंधार प्रदर्शन करते हुए रनों की बरसात कर दी। भारत ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 410 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 47.4 ओवर में 250 रन पर ही सिमट गई। इस विश्व कप में भारत की यह लगातार 9वीं जीत है। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इसराइल हमास संघर्ष के बीच अमेरिकी बलों के खिलाफ होने वाले हमलों की जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान और उसके गठबंधन समूहों के खिलाफ सीरिया में दो हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने अमेरिकी रक्षा विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा से बढ़कर राष्ट्रपति के लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। उन्होंने कहा कि आज की कार्रवाई से ये स्पष्ट होता है कि अमेरिका अपने कर्मियों और अपने हितों की हर हाल में रक्षा करेगा। और अब लाइफ क्राइम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में देश के लिए शहीद होने वाले जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मान देने की बात कही थी। इसी कड़ी में पेश है मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के जनजातीय योद्धा भीमा नायक की कहानी। मध्य प्रदेश के एक और रॉबिनहुड निमाड़ क्षेत्र के भीमा नायक ने सन 1840 से 1864 तक अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों की क्रांति का नेतृत्व किया। 1857 में निमाड़ के भीलों को जगाने वाले इस योद्धा का जन्म बड़वानी रियासत के पंच मोहाली गांव में लगभग 1815 में हुआ। मात्र 10 वर्ष की आयु में बालक भीमा तीर कमान और गोफन चलाने में दक्ष हो गए। भीमा के क्रांतिकारी बनने में परिवार के संस्कारों की मुख्य भूमिका रही। पिता रामा ने हथियार चलाना सिखाया तो मां सुरसी बेटे के हर क्रांतिकारी मोर्चे पर साथ खड़ी रहीं। अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों से मुक्ति के लिए भीमा ने 1837 में लड़ाकों की एक टोली बनानी शुरू की। महज एक साल में उनके पास प्रशिक्षित 500 सेनानी थे। भीमा की फौज में भील, भिलाला और मकरानी जनजातियों के सैनिक थे। 3 नवंबर 1858 में क्रांति के महानायक तात्या टोपे निमाड़ आए। भीमा ने तात्या टोपे को नर्मदा पार करवाने में सहयोग किया। 4 फरवरी 1859 को केटिंग के नेतृत्व में अंग्रेज टुकड़ी ने धोला बावड़ी पर धावा बोल दिया और फिर 13 फरवरी 1859 में भीमा के गांव पंच मोहली में युद्ध किया। भील रणबांकुरों को जंगल का रुख करना पड़ा। इस भीषण संग्राम में भीमा के 10 साथी शहीद हुए, अनेक गिरफ्तार कर लिए गए।
भीमा के क्रांतिकारी साथियों और भीमा की मां सुरसी को मंडलेश्वर जेल में डाल दिया गया, जहां सुरसी की मृत्यु हो गई। इससे क्रोधित क्रांतिकारियों ने जेल पर हमला करके कैदियों को छुड़वा लिया, हालांकि इनमें से कई को बाद में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में निमाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन ई थॉम्पसन ने मुकदमे की सुनवाई की। मामले में खजन बुंदिस, शेख मोहम्मद, हाजी अमीन, झग्गा, दिलशेर खां और नरसिंह निहाल को मौत की सजा दी गई। क्रांतिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर फांसी दे दी गई। 2 अप्रैल 1867 को एक गद्दार की सूचना पर घने जंगल में सोते हुए भीमा नायक को कैद कर लिया गया। उन्हें कैद करके काला पानी यानी अंडमान की सेल्युलर जेल भेज दिया गया, जहां 29 दिसंबर 1876 को उनकी मृत्यु हो गई। बलिदान के बाद भी इस महानायक से प्रेरित होकर अनेक भील नायक आगे आए और जनजातीय क्षेत्रों में स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बढ़ेंगे आगे। देश दुनिया में हर साल धूमधाम से दिवाली मनाई जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक मंदिर ऐसा है जहां आजादी के 75 साल बाद पहली बार दीपावली पर पूजा हुई। ये मंदिर है कुपवाड़ा जिले के टीटवाल स्थित शारदा मंदिर, जो LOC से सटा हुआ है। तो इस खबर के साथ ही मिडडे प्राइम के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।